कानपुर देहात से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आ रही है। यहाँ पुरानी रंजिश के चलते दिन दहाड़े चार सगे भाइयों ने मिलकर एक बुजुर्ग किसान की गोली मारकर हत्या कर दी। हथियारों ने पहले बुजुर्ग किसान के हाथ पैर तोड़े, फिर चार गोलियां मार दी। किसान के सामने उसकी बेबस पत्नी चीखती रोती रही, लेकिन हत्यारे भाइयों को रहम नहीं आया। फिलहाल हत्यारे भाइयों के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और उनकी तलाश शुरू कर दी है। यह निर्मम घटना उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात की है। रूरा थाने में जारो कतार रोती ये महिला बिच्चन है। बिच्चन आंखों में आंसू लिए सदमे में है, क्योंकि उसकी आंखों के सामने उसके पति नथील पाल की निर्मम हत्या कर दी गई। बुजुर्ग नथील पाल कानपुर रहते थे और मडोली गांव में उनकी एक बीघा जमीन थी, जिसकी फसल काटते नथील पाल कानपुर से आए थे। इसी बीच पुरानी रंजिश के चलते पत्नी बिच्चन के सामने बुजुर्ग किसान नथी पाल की निर्मम हत्या कर दी गई। हत्यारे चार सगे भाई थे। हत्यारे भाइयों ने पहले बुजुर्ग किसान के लोहे के रोड से उसके हाथ पैर तोड़े और फिर चार गोलियां मारकर मौत के घाट उतार दिया। इसी बीच पत्नी रहम की भीख मांगती रही, लेकिन हत्यारों का दिल नहीं पसीजा। इस घटना से गांव में सनसनी फैल गई है। घटना की जानकारी लगते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस ने मृतक के परिजनों की शिकायत पर हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस अब हत्यारे भाइयों की तलाश में जुट गई है। बरहाल जनपद में हो रही एक के बाद एक हत्याओं से लोग खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। अगर वक्त रहते पुलिस ने अपराधों पर अंकुश नहीं लगाया तो यकीनन आम आदमी का भरोसा पुलिस पर से खत्म हो जाएगा। ये बताइए क्या घटना हुई है? सत्य प्रकाश गोली से मारो है। हाथ पैर भी तोड़ा है? हाथ पैर भी तोड़ दिए है। चार आदमी मारो है, दो तीन आदमी पकड़ लिए चारों भाई मिलकर और सत्य प्रकाश गोली मारी। अच्छा, जो मारी ना चारों भाई है सगे? हाँ। गाँव में कब आए थे आपके पति? हम आयरन शनिचर के दिन तब बाजरा काट रहे थे, तो ये परसों नरसों आई, तो ये तीन चार चक्कर हमारे खेत पर ले लगाए सार मा। अच्छा, क्या विवाद क्या था? कुछ बोलो नहीं। क्या वो पुराना विवाद था? अब पुरानी तो भती लड़ाई हो चुकी। एक दो जी हमारे घर पर आके हार मा तो सामान घेरते थे, कहते तुम्हारे लड़का जहाँ मिल जाएंगे तब मार देंगे हमारे लड़का, और फिर पंडितन थे और पालन थे। अच्छा, पकड़ गए कि नहीं? तो वही ना ही पकड़े गए थे, हमारी सुनाई नहीं भाई। गरीब हुई आदमी का 30 रुपये कुरा दी नहीं हुई, जो तुमकी सुनाई हुई गए। हाँ, उनका जो है वो बंदा नहीं बे, उनके भाई लड़ाई चढ़ के मारेंगे तो मार मत जनते हो कि किसी के तो गौर लगते ही है, तो उनके कुछ पैर में चोट आ जाती थोड़ी सी, वो चोट के वजह से हमारे लड़का जो है। तो कितनी गोलियां मारी आज? आज गोलियां चार मारी है। चार। ये रूरा में जो है एक बुजुर्ग की जो है निर्मम हत्या की गई, किस तरह कौन लोग हैं, क्या मामला, किस वजह, क्या वजह है? ये घटना जो है ग्राम मड़ौली थाना क्षेत्र रूरा की है। इसमें जो मृतक है उनका नाम नथी लाल पुत्र श्री सुबेदार जी है और इनकी उम्र जो है 65 वर्ष है, और जो हत्याभियुक्त है उनका नाम सत्य प्रकाश है, और सत्य प्रकाश ने और उनके साथियों ने मिल करके उनको पहले तो उनको ये चोटें पहुँचा कर डंडे और रॉड आदि से उनके हाथ पैर तोड़े, उसके बाद उनके चार गोलियाँ मारा जाना बताया जा रहा है। चोटी होने के बाद ये जो है इनकी मृत्यु हो गई है। इनका पंचनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। FIR पंजीकृत कर ली गई है और हम लोग अभियुक्तगण जो है उनकी गिरफ्तारी का प्रयास कर रहे हैं। ये जो जो हत्या को अंजाम दिया जिन लोगों ने, वो क्या सब सगे भाई चार लोग? जी हाँ, अभी ये जानकारी में आते हैं कि जिन्होंने हत्या की है उन्होंने अपने भाइयों के साथ इस घटना को अंजाम दिया है, और पूर्व में रंजिश थी उसको लेकर के ये जो है घटना घटित हुई है। क्या नाम है आपका? मनोज पाल। मनोज जी, क्या हुई, क्या हुई? क्या मामला है पूरा, क्यों किस मामला? सेठ ने और संजय ने और भंगड़ ने छोटे बउआ ने गोलियों से मारा मेरे पिताजी। कितनी गोलियाँ मारी? गोलियाँ तीन मारी। अच्छा, क्या विवाद था? दो तीन लोगों ने पकड़ा है और सेठ ने मारा है। हाथ पैर भी तोड़ दिए? हाथ पैर तोड़ के गोली मारी है। विवाद क्या था? विवाद कुछ नहीं था, कोई पुरानी रंजिश कुछ? हाँ, पुरानी रंजिश थोड़ी बहुत थी, उसी वजह से मारा। कितनी उम्र होगी पिताजी की? 70 साल में मौत हो गई उनकी जी। घटना में क्या मौत हो गई, क्या हुआ? हाँ, मौत हो गई। अभी कोई गिरफ्तारी हुई कुछ? ना, अभी कुछ नहीं हुआ है। उन लोग कहाँ, कुछ जानकारी है? अब ये तो जानकारी नहीं, कहाँ है। फरार हो गए? फरार है, घर में कोई नहीं है।
गैलेक्सी बासमती एवं गोयल इंटरनेशनल परिवार की ओर से तथा मेरी विजय गोयल की तरफ से आप सभी को धनतेरस, शुभ दीपावली तथा भैया दूज की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री गणेश जी तथा माँ लक्ष्मी जी की कृपा आप सभी के आंगन में सदा बरसती रहे। एक बार पुनः गैलेक्सी बासमती परिवार की ओर से आप सभी को दीपावली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। विजय गोयल, गोयल इंटरनेशनल, प्रावड़ी। गैलेक्सी बासमती एवं गोयल इंटरनेशनल परिवार की ओर से और मेरी ओर से आप सबको धनतेरस, शुभ दीपावली तथा भैया दूज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान श्री गणेश तथा माँ लक्ष्मी की अपार कृपा आपके आंगन में सदा बरसती रहे। एक बार पुनः गैलेक्सी बासमती परिवार की ओर से आप सबको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। कृष्ण गोयल, गोयल इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड, त्रावड़ी। गोयल इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड तथा गोयल ओवरसीज त्रावड़ी एवं गैलेक्सी राइस इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड त्रावड़ी जिला करनाल की ओर से सभी प्रदेश वासियों को धनतेरस, शुभ दीपावली, भैया दूज तथा विश्वकर्मा दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। गोयल इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड तथा गोयल ओवरसीज तरावड़ी एवं गैलेक्सी राइस इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड तरावड़ी जिला करनाल महालक्ष्मी से कामना करता है कि आपका परिवार सदैव खुशहाल रहे और धन धान्य से भरपूर रहे। सभी प्रदेश वासियों तथा तरावड़ी नगर के निवासियों को एक बार फिर से गोयल इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड तथा गोयल ओवरसीज तरावड़ी एवं गैलेक्सी राइस इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड तरावड़ी जिला करनाल की ओर से आप सबको दीपावली की ढेरों शुभकामनाएं। गोयल इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड तरावड़ी गैलेक्सी बासमती चावल के प्रसिद्ध निर्माता हैं। गैलेक्सी बासमती चावल का एक एक दाना घर के पूरे आंगन में ऐसी खुशबू बनाता है जो हर किसी को अपना दीवाना बना लेती है। वह खुशबू केवल गैलेक्सी बासमती चावल के खजाने में छिपी है। आप भी एक बार लाइए घर में गैलेक्सी बासमती चावल और फिर देखिए, आप भी हो जाएंगे गैलेक्सी बासमती चावल के दीवाने। गैलेक्सी बासमती चावल के CMD विनोद गोयल, MD विजय गोयल, MD कृष्ण गोयल के अथक प्रयासों से गैलेक्सी बासमती चावल भारत में ही नहीं बल्कि स्विट्जरलैंड, जर्मनी, यूक्रेन, यूके, फ्रांस, स्पेन, सीरिया, इराक, ईरान, ओमान, UAE, कतर, ऑस्ट्रेलिया समेत कई देशों में चावल की खुशबू फैला रहा है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चावल के साथ साथ भारत की भी धूम मचा रहा है। यह सब स्वर्गीय देवी चंद गोयल द्वारा दी गई नैतिक शिक्षा और उनके दिखाए आदर्शों का ही परिणाम है। असली बासमती केवल गैलेक्सी बासमती चावल CMD विनोद गोयल, MD विजय गोयल तथा MD कृष्ण गोयल गैलेक्सी बासमती चावल परिवार की ओर से आप सबको शुभ दीपावली, भैया दूज तथा विश्वकर्मा दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। ये दिवाली है कुछ खास है होने वाली। गैलेक्सी बासमती राइस के साथ आएगी हमारे घर भी खुशबू और खुशहाली। गैलेक्सी बासमती राइस की तरफ से सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। रिश्तों में स्वाद घुलता रहे, यूं हर्षो उल्लास त्योहारों का मिलता रहे। गैलेक्सी बासमती राइस विशिंग यू अ हैप्पी दिवाली। गैलेक्सी बासमती राइस, टेस्ट ऑफ लव। गैलेक्सी बासमती राइस, टेस्ट ऑफ लव। मेरी तरफ से आज सभी करनाल वासियों को, प्रदेश वासियों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं।
यह दिवाली का त्यौहार सभी के लिए खुशियां लेकर आए। इसी के साथ सबको, सारे प्रदेशवासियों को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं अपनी तरफ से व अपनी हरियाणा सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी की तरफ से सभी प्रदेशवासियों को दिवाली की शुभकामनाएं देता हूं। और एक ईमानदार दोबारा मनोहर लाल खट्टर जी की सरकार बनने जो जा रही है हरियाणा में, उसके लिए भी प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। ये हमारे हरियाणा के जो सीएम हैं, जो बनने जा रहे हैं, आज तक इनके जैसा ईमानदार सीएम ना पहले कभी आया है और ना मैं समझता हूँ कभी आएगा। सभी प्रदेशवासियों को दोबारा सीएम साहब के शपथ समारोह पे मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। मैं जगजीत सिंह अरोड़ा सभी करनाल वासियों को व प्रदेशवासियों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। वह मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि ये दिवाली सभी के लिए मंगलमय हो, शुभकामना ये दिवाली सबके लिए शुभकारी हो और अच्छे से अच्छे कार्य हों। और मैं एक बार पुनः सभी को दिवाली की व भैया दूज की शुभकामनाएं देता हूँ। हरियाणा सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के यूथ प्रेसिडेंट अमरिंदर सिंह अरोड़ा तथा समाज सेवी जगजीत सिंह अरोड़ा की ओर से सभी प्रदेश वासियों और जिले की जनता को प्रकाश दिवस, शुभ दीपावली तथा भैया दूज की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। हरियाणा सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के स्टेट यूथ प्रेसिडेंट अमरिंदर सिंह अरोड़ा तथा समाज सेवी जगजीत सिंह अरोड़ा तथा समाज सेवी यादविंदर सिंह अरोड़ा एवं परमजीत अरोड़ा वाहे गुरु से कामना करते हैं कि आपका परिवार सदैव खुशहाल रहे और धन धान्य से भरपूर रहे। सभी प्रदेश वासियों और जिले वासियों को एक बार फिर से आप सबको हरियाणा सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के स्टेट यूथ प्रेसिडेंट अमरिंदर सिंह अरोड़ा के परिवार की ओर से दीपावली की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।